हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका कश्यप एंड आई एम न्यूट्रिशनिस्ट मधुलिका। और आज मैं आप लोगों के साथ मॉनसून डाइट प्लान जो है वो शेयर करूंगी, जो कि आपको न सिर्फ हेल्दी रहने में हेल्प करेगा, आपको क्लियर स्किन के लिए हेल्प करेगा, बल्कि आपको जो वेट लूज है उसके लिए भी आपको ये काफी हेल्पफुल होगा ये डाइट प्लान। और इस डाइट प्लान में कुछ डूज एंड डोंट्स भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें जो कुछ जो टिप्स जिसको हम कह सकते हैं वो भी मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मॉनसून एक ऐसा सीजन होता है जिसमें कि हम जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो सबसे ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है, यानी कि जब हम विंटर्स का टाइम होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म काफी फास्ट रहता है, उस समय हम जो भी कुछ खाते हैं वो हमें इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। जब समर्स का सीजन आता है तो समर में जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो थोड़ा सा जो होता है उससे स्लो डाउन होता है विंटर से, लेकिन जब मॉनसून सीजन आ जाता है तो मॉनसून सीजन आने तक हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो काफी स्लो डाउन हो जाता है। तो इस समय पर आपको अपने खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कुछ भी हैवी या अनडाइजेस्टेड फूड इस समय पर खाते हैं तो वो आपको वेट गेन तो देगा ही, साथ में आपको इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो होती है वो भी आपके साथ खड़ी हो सकती है। तो एक ऐसा डाइट प्लान मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसमें कि आपको मॉर्निंग से लेके और डिनर तक के, और डिनर यानी बेड टाइम जो ड्रिंक होता है उस तक में भी आपको कौन सी चीजें लेनी चाहिए वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों से जो चीज डिस्कस करूंगी वो होता है, और जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है वो होता है आपका मॉर्निंग ड्रिंक, यानी कि जब आप सुबह उठ के एक सादा ग्लास पानी तो पी लेते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको क्या चीजें लेनी चाहिए। जैसे कि इस समय पर जो मॉनसून का सीजन होता है, जो बरसात का मौसम होता है, उस समय पर हम जितनी बिटर चीजें जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं, जो वेजिटेबल्स में मिलती हैं, अगर हम उनका सेवन करते हैं तो हमारी जो स्किन तो क्लियर होती ही है, साथ साथ हमारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है उन चीजों के साथ, और हमारा जो वेट लॉस का जो प्रोसेस होता है वो भी इस समय पर स्टॉप नहीं होता, बल्कि इजीली हम वेट लॉस जो है वो कर पाते हैं। तो ये चीजें जो है हम थोड़ा सा ध्यान में रखें। सबसे पहले बिटर चीजों में सबसे पहली चीज आती है मेथी का पानी। तो मेथी का पानी जो होता है ये काफी हेल्पफुल होता है आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, आपके अंदर की जो शुगर लेवल जो बढ़ जाता है, क्योंकि हम कुछ चीजें दिन भर में ऐसी खा लेते हैं जिससे हमारा इंसुलिन जो होता है वो बहुत तेजी से स्पाइक होता है, यानी कि उसका जो ब्लड जो शुगर होता है वो बहुत तेजी से ब्लड के अंदर डिजोल्व होता है। तो उस शुगर को जो है वो कंट्रोल में रहे उसके लिए हमें मेथी दाने का पानी, कुछ लोग मेथी दाने का पानी लेते हैं, कुछ लोग मेथी को भी सॉलो कर लेते हैं, और कुछ लोग मेथी को हल्का सा चबा लेते हैं, जो भीगी हुई सोक्ड रात की मेथी होती है उसको भी हल्का सा चबाकर और पानी पी जाते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि इसमें तीन स्टेजेस होते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ पानी पीते हैं तो थोड़ा इफेक्टिव होता है, कुछ लोग मेथी को ऐसे ही सॉलो कर लेते हैं तो थोड़ा और इफेक्टिव होता है, लेकिन अगर आप हल्का सा मेथी दाने को मुंह में क्रैक करके उस पानी को अगर आप सॉलो कर जाते हैं तो वो वेट लॉस के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। दूसरी चीज होती है हमारा बिटर गार्ड, यानी कि करेला। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, क्योंकि इस समय पर जितनी भी साग वगैरह जो आते हैं मार्केट के अंदर उसमें से कुछ को छोड़कर, जो नेक्स्ट एक वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी एक जानकारी दूंगी कि जो लोग भी थायराइड के पेशेंट हैं, स्पेशली जो हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं, और उनको इस सीजन में कौन कौन सी चीजें जो होती है जो सिर्फ बरसात के मौसम में आती हैं, और वो चीजें अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आप आजकल लोग सब जानते हैं कि थायराइड के लिए काफी चीजें सप्लीमेंट्स वगैरह जो है वो इजीली आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मौसम भी होता है जो इस समय पर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल इस समय पर आते हैं, कुछ ऐसे लीफी वेजिटेबल्स भी इस समय पर आती हैं जो कि आपके लिए कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो थायराइड के लोगों को होती है उसमें ये काफी हेल्पफुल होता है। तो जैसे इस समय पर आते हैं बिटर गार्ड, बिटर गार्ड का आपको करना क्या है, जैसे कच्ची हल्दी होती है, बिटर गार्ड होता है, और मोरिंगा होता है, मोरिंगा पत्तियों की, जैसे सहजन की जो पत्तियां होती हैं उसके बारे में लोग जानते होंगे, तो ये सारी चीजें जो होती हैं इनको आप बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में, जैसे अगर आपने एक करेला भी लिया तो उस एक करेले को आप कद्दूकस कर लीजिए, सिर्फ ऊपर का ग्रीन छिलका और एक छोटा सा पीस जो है एक या डेढ़ इंच का कच्ची हल्दी का, उसको भी आप कद्दूकस करके कपड़े में छान लीजिए, और एक स्पून के करीब आपके पास जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो आप उसको ही अगर आप मॉर्निंग में एक चम्मच
पानी के साथ या 2 चम्मच पानी के साथ आप उसको ले लेते हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी में होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तीसरी चीज होती है जो, क्योंकि इस समय पर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, तो जो लोग ये नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए एक फैसिलिटी होती है कि आजकल ओजीवा का जो ग्रीन्स एंड हर्ब्स आता है वो मैंने उसके ऊपर स्पेसिफिक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें भी आप ओजीवा का जो ग्रीन्स एंड हर्ब्स होता है वो भी आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। इनफैक्ट आप कच्ची हल्दी और करेले का जो 1 चम्मच जूस है वो अगर आप ओजीवा ग्रीन्स एंड हर्ब्स के साथ मिक्स करके ले लेते हैं तो वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा जो मार्केट में इस समय पे ऑरेंज कैरेट आती है जो देखी होगी आपने, यानी कि ऑरेंज कलर की जो गाजर मार्केट के अंदर मिलती है, अगर आप उसका सेवन इस समय पर करते हैं वो काफी हेल्पफुल होती है, बहुत अच्छी होती है वेट लॉस के लिए। तो इन सारी चीजों को, जैसे ऑरेंज है, अदरक है, कच्ची हल्दी है, करेला है, इन सब का आप एक छोटा सा शॉट अगर बना लेते हैं, यानी कि 1/4 कप के बराबर भी अगर इनका आप जूस आपको मिल जाता है इजीली लमसम, किसी दिन आप कुछ ले लीजिए तो, या फिर सब चीजों को मिक्स करके भी आप अगर आप ले लेते हैं तो मॉर्निंग में आप एक बहुत अच्छा एक जर्क जो है, एक बहुत अच्छी किक जो है वो अपने हेल्थ को देते हैं फॉर वेट लॉस और फॉर बूस्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए। उसके अलावा इस समय पर जो, जब हम स्नैक्स की बात करते हैं तो इस समय पर कोई भी, आप अगर आपको पास कोई भी फ्रूट घर में अवेलेबल है तो उसको खाने का तरीका है कि आप रात के टाइम चिया सीड्स जो है 1 चम्मच आप पानी में सोक कर दीजिए, और मॉर्निंग में आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट जो है या 1 कप फ्रूट जो है वो आप उसको काटिए और उसके ऊपर चिया सीड्स जो होते हैं उनको हल्का सा स्प्रिंकल कर दीजिए, जो सोक्ड चिया सीड्स होते हैं यानी कि स्वेल जो हो जाते हैं उनको, और उसके बाद आप उसको कंज्यूम कीजिए, काफी हेल्पफुल होता है। और अदरवाइज आप नींबू पानी के अंदर चिया सीड्स ले सकते हैं, और जो इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है आपके जो प्री ब्रेकफास्ट के लिए जो मैं बात कर रही हूँ उसमें आप 4 से 5 आलमंड्स और 1 वॉलनट जो है सोक करके वो भी आप ले सकते हैं इस समय पर, जो ये प्री ब्रेकफास्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और ये काफी हेल्पफुल होता है इस समय पर, क्योंकि इस समय जो है कुछ ऐसी वेजिटेबल्स भी मार्केट के अंदर आती है जैसे जामुन जो होते हैं, जामुन के फायदे कितने ज्यादा हैं आप सब लोग जानते हैं। हम लोग जामुन का सिरका भी मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है, लेकिन सिरका तो आपको पूरे ऑल ओवर ईयर जो होता है वो अवेलेबल होता है, लेकिन इस समय पर जो अगर आपको कच्चा जामुन, जो सॉरी जाम मतलब पका हुआ फल के रूप में अगर आपको जामुन मिलता है तो आप एक हैंडफुल जामुन जो है आप डेली अपनी डाइट के अंदर रखिए, और जामुन के जो बीज होते हैं उसका भी अगर आप सूप बनाकर लेते हैं तो ये भी काफी हेल्पफुल होता है आपके वेट लॉस के लिए। और इसमें आप जैसे स्नैक्स के रूप में भी आप इसमें जामुन को इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप प्री, जो सुबह सुबह आप जब खाते हैं प्री ब्रेकफास्ट जिसको बोलते हैं, प्री ब्रेकफास्ट का मतलब ये है कि कुछ भी ऐसा न्यूट्रिशियस आपको लेना चाहिए जो कि आपके पूरे दिन की जो ऑल ओवर हेल्थ के लिए जितना भी आप न्यूट्रिशन आपको चाहिए वो आपको मॉर्निंग में ही मिल जाए, बाकी दिन भर में जो भी कुछ आप खाना चाहें वो खा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं बेसन का चिल्ला, आजकल लौकी जो है वो काफी अच्छी मार्केट के अंदर आ रही है आपके लिए, ऑरेंज कैरेट आपके लिए काफी अच्छी आ रही है। मैं ऐसे अभी कुछ छोटे छोटे वीडियोस जो है वो मैं शूट करके आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी इस चैनल के ऊपर, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे वो सब चीजें ले रही हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये जो छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स है वो भी शेयर करनी चाहिए, जो कि मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जो पम्पकिन आता है, यानी कि पक्का कद्दू और कच्चा कद्दू, दोनों ही कद्दू जो भी आपको मिल जाए, पम्पकिन जो होता है वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इनफैक्ट ये एक रेमेडी होती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है और जिनका वेट लूज नहीं हो रहा होता है उनके लिए एक रेमेडी होती है, अगर वो इस समय पर, जो जैसे कद्दू इस समय पर काफी अच्छी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो आप डेली एक कद्दू को आप लीजिए और उसका एक पोर्शन जो है सब्जी का आप एक कटोरी सब्जी भर के अपने लंच या डिनर में जरूर इंक्लूड कीजिए, आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो इजिली डिजोल्व हो जाएगा, इजिली आपको उससे रिलीफ मिल जाएगा। तो इस ब्रेकफास्ट में आप बार्ले दलिया ले सकते हैं, उसके अंदर आप वेजिटेबल्स डाल दीजिए, उसके अंदर आप ये जो कैप्सिकम होता है वो लीजिए, कैप्सिकम जो होता है वेट लॉस के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। और लंच या डिनर की अगर मैं बात करूं तो लंच या डिनर में आप दाल लीजिए, आप कद्दू की सब्जी ले सकते हैं, आप कोई भी गार्ड वेजिटेबल्स जो होती है जैसे टिंडा होता है, परवल होता है,
कुंदरू होता है, ये जितनी भी वेजिटेबल्स आती हैं, भिंडी, इनफैक्ट भिंडी भी काफी अच्छी होती है, हेल्पफुल होती है आपकी वेट लॉस के लिए अगर उसको सही तरीके से बनाया जाए, यानी कि बनाने में उसकी जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ज्यादा नष्ट ना हो, तो ये भी सारी की सारी जो वेजिटेबल्स होती है, क्योंकि इस समय पर जो भी वेजिटेबल आती है ज्यादातर मैक्सिमम वेजिटेबल ऐसी होती है जिसके अंदर आलू इंक्लूड नहीं होता है, तो आलू के बिना भी आप उन सब्जियों को बना सकते हैं, जैसे लौकी है, तोरी, कद्दू और कुंदरू होता है, ये सारी सब्जियां जो होती हैं, करेला होता है, इन सब में आलू की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, तो ये इस समय की जो वेजिटेबल्स होती हैं ये वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं गाइस। जैसे विंटर्स में जो भी आपको सब्जियां मिलेंगी वो सारी सब्जियां ऐसी होंगी वो आलू के बिना नहीं बनती, लेकिन इस समय पर जितनी भी सब्जियां आपको मिलेंगी सारी की सारी सब्जियां आप बिना आलू के बना सकते हैं। आपके लंच की प्लेट कुछ इस तरह की होनी चाहिए जिसमें आपको एक कटोरी दाल होनी चाहिए, आपके लिए कोई भी एक सीजनल वेजिटेबल जो गार्ड वेजिटेबल होती है वो होनी चाहिए, थोड़ा सा करेला जो है वो भी आप साथ में इंक्लूड कीजिए, और रोटी जो है वो आप एक साइड पोर्शन इतना ही रखिए जितना कि आपको आपकी बाकी की प्लेट भरी हो, सिर्फ एक रोटी में आपका जो है पेट भर जाए, यानी कि बाकी की सब्जियां और दाल में आपका काफी अच्छे से पेट भरे, रोटी सिर्फ आप एक ही लीजिए, क्योंकि इस समय मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और ये वेट लॉस के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ ये वेट लॉस में काफी अच्छा हेल्पफुल होता है। जिन लोगों को वेट लूज करना है उन लोगों के लिए ये काफी अच्छी एक ट्रिक होती है कि अपने प्लेट में दाल और सब्जियां वगैरह से कटोरी से भर लें और साइड में एक ही रोटी रखें, तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा एक हेल्पफुल होता है जिसमें आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इवनिंग स्नैक की बात करते हैं तो इवनिंग स्नैक में भी आपको जिसे और ऑल ओवर सीजन जो होते हैं उसमें आप हम फर्मेंटेड फूड जैसे कि दलिया, जैसे कि इडली है, ढोकला है या फिर डोसा है, इस तरह की चीजें हम बोलते हैं खाने के लिए, लेकिन ये समय ऐसा होता है इस समय पर फर्मेंटेड फूड्स और स्प्राउट्स और जैसे दही वगैरह भी होता है इन सब चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों को इजीली नारियल पानी अवेलेबल है वो नारियल पानी ले सकते हैं, और मखाना जो रोस्टेड पीनट्स होते हैं, रोस्टेड मखाना होता है, रोस्टेड चने होते हैं, इस समय पर ये चीजें जो होती हैं ये काफी अच्छी होती हैं स्नैक्स के रूप में अगर आप इवनिंग स्नैक में खाते हैं तो। और सबसे अच्छी बात जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि अगर आप इस समय पे अपने जितने भी हर्बल टीज होती हैं, ग्रीन टी मैं इतना ज्यादा प्रेफर इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन काफी ड्राई होती है, स्पेशली अगर मैं बात करूं जो हाइपोथायराइड के पेशेंट होते हैं जिनकी ऑलरेडी स्किन काफी ड्राई होती है, जिनके जो हेयर होते हैं वो काफी ड्राई होते हैं, ब्रिटल होते हैं उन लोगों के हेयर वगैरह, तो उन लोगों के लिए ये काफी जरूरी है कि वो लोग अपने इस समय पर जितनी भी हर्बल टीज होती हैं उनको उपयोग करें, ना कि ग्रीन टी का। और अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली आप जो है दिन भर में ग्रीन टी का सेवन, आप 2 से 3 कप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों को अपलोड किया था और बताया था कि इस समय पर डिटॉक्स वाटर बनाने की गलती ना करें, ज्यादा डिटॉक्स वाटर जैसे आपने खीरा या फिर कोई भी फ्रूट इस तरह की चीजें आपने पानी के अंदर डाली और आप काफी देर तक उसको पड़े रहने दिया, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है कि चीजें जो होती हैं पानी के अंदर भी थोड़ा सा सड़ने लग जाती हैं, तो डिटॉक्स वाटर भी अगर आप बनाते हैं किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल का तो उसको 2 से 3 घंटे के अंदर आप बना भी लीजिए और उसको साथ साथ कंज्यूम भी कर लीजिए, उसको जबरदस्ती ज्यादा देर तक 7 से 8 घंटे रखने की या ओवरनाइट रखने की गलती बिल्कुल भी ना करें। तो इस समय पर जितनी भी हर्बल टीज आती है जैसे सिनेमन टी होती है या फिर ब्लैक पेपर और कच्ची हल्दी, अदरक की चाय होती है, अजवाइन की चाय होती है, मतलब इस तरह का जो आप पकाकर ले सकते हैं, रोस्टेड जो ये सॉरी सूखे जो गुलाब की पत्तियां होती हैं और सूखी करी लीव्स होती है, सूखी तुलसी के पत्ते होते हैं, इन सबको आप मिक्स कीजिए, और सूखी लेमन ग्रास होती है, इस तरह की जो जितनी भी पत्तियां आपको सूखी हुई मिलती हैं, और गेंदे की पत्तियां होती हैं, इनफैक्ट ये भी बहुत हेल्पफुल होती है गेंदे की पत्तियां, तो इन सब चीजों को आप सुखाकर एक जगह भरकर रख लीजिए, और जब भी आप खाना वाना खाते हैं या किसी भी समय, और इनकी तो स्मेल इतनी अच्छी होती है जब आप इस तरह की चाय, क्योंकि मैं कई बार इस तरह की चाय जो होती है स्टोर करके रख लेती हूँ टाइट डिब्बे में ताकि ये पत्तियां जो है वो सड़े ना, काफी सूखने के बाद, धूप पे नहीं सुखाना होता इनको, आप एक प्लेट के अंदर ये सारी पत्तियां रख दीजिए, उसके ऊपर एक नैपकिन डाल दीजिए, पेपर नैपकिन, तो वो सारा जो पेपर नैपकिन होता है वो सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और पत्तियां जो होती हैं उनका कलर भी वैसा ही रहता है जैसा कि नेचुरल कलर होता है, तो उससे जो चाय बनती है
उसकी स्मेल तो साथ साथ अच्छी होती ही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है आपके वेट लॉस के लिए भी, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे गुड़हल की पत्तियां होती है, गुड़हल की पत्तियां हॉर्मोन्स के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप गुड़हल की पत्तियों की चाय लेते हैं, हिबिस्कस टी जिसको बोलते हैं, तो लाल वाला जो गुड़हल होता है उसकी पत्तियों को आप थोड़ा सा तोड़िए और उसको ऐसी जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह सुखा लीजिए, और अगर आपको फ्रेश मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, उसकी तो चाय का कलर भी एकदम रेड होता है। तो उनको आप थोड़ा सा सुखा लीजिए या फिर फ्रेश बनाइए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जिन लोगों को पोलन एलर्जी होती है वो उन पत्तियों को धोकर यूज करें, और जो उसके गुड़हल के फूल के अंदर जो स्ट्रिंग्स निकले होते हैं, जो पोलन्स निकले होते हैं, उनको बिल्कुल हटा दें। यानी कि पोलन्स जो है वो आपकी चाय के अंदर नहीं आने चाहिए, जिनको पोलन एलर्जी होती है। पोलन एलर्जी के बारे में आप गूगल करेंगे तो आपको काफी पता चल जाएगा, सीजनल एलर्जी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। एज वेल एज अगर मैं डिनर की बात करती हूँ, तो डिनर में भी आप लोगों को जो खिचड़ी टाइप की चीजें होती है, जैसे मिक्स दलिया होता है और इस तरह की चीजें, लौकी चने की दाल होती है, अगर आप एक कटोरी लौकी चने की दाल और एक रोटी भी खाते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे भूखे, तो आप अगेन आप एक कटोरी और लौकी चने की दाल ले लीजिए। जितनी भी सब्जियां आती हैं, अगर आप इवनिंग डिनर में आप थोड़ा सॉल्ट कम करेंगे और आप गार्ड वेजिटेबल्स को ज्यादा इंक्लूड करेंगे, अगर आपको लगता है कि मुझे रोटी खानी ही है तो आप एक रोटी इंक्लूड करेंगे साथ में, तो ये सीजन ऐसा होता है जो आपके वेट लॉस के लिए काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इस समय की वेजिटेबल्स ही ऐसी होती हैं जो इस समय पर आपको काफी हेल्प करती हैं। दूसरी बात, जैसे सिंगाड़ा होता है, इस समय मार्केट के अंदर सिंगाड़ा, जिसको बकवीट भी कहते हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम लोगों में से बहुत लोग जानते हैं कि वेट लॉस करने के लिए, और जो बकवीट फ्लावर होता है, हॉर्मोन्स के जिनको डिसबैलेंस होते हैं, जिनके हॉर्मोन्स, उनके लिए बकवीट फ्लावर जो होता है वो काफी अच्छा होता है। तो बकवीट फ्लावर तो आपको साल भर मिलता है, लेकिन इस समय सिंगाड़ा जो होता है आपको फ्रेश जो मार्केट के अंदर होता है वो काफी अच्छे तरीके से अवेलेबल होता है। तो ऐसी चीजों को आप इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट के अंदर। और जिसे कमल ककड़ी होती है, कमल ककड़ी कुछ लोग शायद नहीं पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप कमल ककड़ी की सब्जी बनाकर उसको आप खाते हैं, तो जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए ये काफी एक रामबाण औषधि होती है। ये सब्जी कम औषधि ज्यादा होती है, क्योंकि ये आयोडीन रिच सब्जी होती है, जो कि इस समय पर काफी फ्रेश आपको मार्केट के अंदर मिलती है। और आयोडीन की डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा कारण होता है थायराइड होने का, जो कि एक डिसऑर्डर है आपके अंदर, तो कई बार न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण भी हो जाता है। तो इस समय पर ऐसी चीजें आप अपने डाइट के अंदर इंक्लूड कीजिए, ताकि अगर हार्मोनल इम्बेलेंस हो तो वो भी ठीक हो जाए। और अगर आपके अंदर वेट लॉस आपको करना है, आपको इस समय पर काफी अच्छा, क्योंकि ये सीजन ऐसा होता है जहां आपका एक तरफ मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, वहां एक तरफ सब्जियां भी ऐसी मार्केट के अंदर आती हैं जो बहुत अच्छे तरीके से वेट लॉस करती हैं आपका। तो ये लमसम जो मैंने आपको एक डाइट प्लान बताया, कुछ आपको चीजें बताई हैं आपको कि किस तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए और नॉनवेज वगैरह अवॉइड करना चाहिए इस समय पर। तो फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।